नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, शायद ये वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर मिले। हम बात करने वाले हैं वॉर और मेटल्स का कनेक्शन। जी हाँ, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वॉर जोन में जब वॉर टाइम चल रहा होता है तो कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। गाइस, ये बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है। अपनी स्टडी एनालिसिस करके ट्रेड लेना, मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ना ही कोई एडवाइस देने वाला हूँ। बट सिचुएशन को समझने वाले हैं कि वॉर जब होती हैं तो ऐसे टाइम पे क्या स्टील को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टील से परे हो जाना चाहिए। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम और उसके बाद जहां कुछ देश लड़ाई में बिजी थे, वहीं कुछ देश अपना बिजनेस कर रहे थे और अपनी सप्लाई बढ़ा रहे थे। आखिर एक देश का जंग दूसरे देश के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे होती है? और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बाद जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो रिसोर्सफुल कंट्रीज के लिए काफ़ी अच्छा चांस होता है कि बिजनेस करने का। रशिया यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर में भी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चलो देखते हैं कैसे इंडिया अब रशिया को भी नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी स्टील और मेटल सप्लाई कर सकता है और कैसे इस वॉर में मेटल के स्टॉक्स एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देश के सबसे बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक आपको दिए हैं, जिसमें एंजल ब्रोकिंग नंबर वन है, जो एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, जो एक फुल्ली फंक्शनल फुल टाइम कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंजल वन में अगर आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक साल की फ्री एमसी मिलती है, स्मॉल केस में आप एक्सेस ले सकते हैं, स्मार्ट एपीआई मिलता है आपको, फ्लैट ₹20 पर ट्रेड का ब्रोकरेज भी मिलता है, पर्सनल एडवाइजरी मिलती है, एमटी फैसिलिटीज भी मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं अकाउंट खोला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए समझते हैं वॉर और मेटल्स का कनेक्शन क्या है। वॉर में एम्यूनेशन और रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए लगातार अलग अलग तरह के मेटल्स की जरूरत पड़ती है और जब अब रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया स्टील और मेटल इंडस्ट्री के लिए जो ज्यादा से ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को। नो वंडर मेटल इंडस्ट्री इज द बेस्ट पॉइज्ड फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग वॉर। यही तो टाइम है इनका जब हर जगह मेटल्स की जरूरत होती है। आपने देखा कैसे गोल्ड और सिल्वर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। रशिया कुछ 20 मिलियन टन एनुअल स्टील सप्लाई करता है, यूक्रेन भी लगभग उतना ही करता है। नाउ दैट दे बोथ आर एनगल्फ इन वॉर, यूरोप में स्टील के रेट कुछ 100 से 150 यूरो पर टन बढ़ गए हैं। ये प्राइसेस एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहां जिंदल स्टील और दूसरे इंडियन स्टील कंपनीज जैसे टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी के लिए, क्योंकि ये आराम से $1,150 पर टन के हिसाब से यूरोप को स्टील सप्लाई कर सकते हैं और जो कि ऑलमोस्ट $100 लेस है जो यूरोप में प्राइस चल रहा है ना, अपने आप में अवसर। इंडिया फिलहाल यूरोप और मीना कंट्रीज में 10% एक्सपोर्ट कर रहा है और अभी 20% भी कर सकता है और यही कुछ देख के कुछ एक्सपोर्ट जिंदल स्टील के टारगेट्स को 640-650 तक भी लेके जा रहे हैं। इसके अलावा नॉन फेरस मेटल जैसे निकल, एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनीज को भी काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। एट प्रेजेंट इंडिया में कुछ 11 मेटल शेयर्स हैं दोनों इंडेक्सेस में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, कोल इंडिया, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, जिंदल स्टील एंड पावर, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर। सभी एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स काफी बुलिश हैं इन स्टॉक्स को लेकर और उनका कहना है कि आगे चल के सभी शेयर सुपीरियर रिजल्ट्स दे सकते हैं। उनके हिसाब से निकिल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बिसाइड्स अपटेक इन एलएमई, एल्युमिनियम प्राइसेस विल बेनिफिट हिंडाल्को। यस, हिंडाल्को एंड वेदांता आर लाइकली टू गेन फ्रॉम द हायर एलएमई प्राइसेस। मार्केट में लो कॉस्ट रशियन प्लेयर्स ना होने की वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील को भी गेन मिलेगा और हायर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स और प्राइसेस मिलने वाले हैं। जी हाँ, जहां दूसरे सेक्टर्स को वॉर में काफी तकलीफ हो रही है, इन इंडियन कंपनीज को रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से काफी एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए हर कोई उस लेवरेज को यूज करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट एक बार वॉर खत्म भी हो जाएगी तब भी इनका प्रॉफिट अच्छा ही रहेगा ड्यू टू सैंक्शंस एंड डिसरप्शंस इन ग्लोबल लेवल। और फिर जब मार्केट एक बार फिर से बुलिश ट्रेंड ले लेगा तो आपको तो पता ही है द स्टॉक्स विल राइज ऑल द मोर। इन शॉर्ट, ये एक अच्छा समय है मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। क्या आपकी पोर्टफोलियो मेटल स्टॉक्स है? अगर नहीं है तो फाइंड आउट द क्वालिटी स्टॉक विच यू प्रेफर, उसकी डिटेल स्टडी कीजिए, अच्छे से फंडामेंटल्स देखिए, अच्छे से टेक्निकल्स देखिए, तब जाके निवेश कीजिए, क्योंकि मार्केट में जैकपॉट्स हमेशा नहीं मिलते, जैकपॉट्स बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऑप्शंस कैसे काम की जाए, ऑप्शंस को कैसे खरीदा बेचा जाए, क्यों खरीदा, कहां बेचा जाए,
क्या सही समय होता है किसी स्टॉक में एंट्री करने का, टेक्निकल्स को कैसे स्टडी किया जाए, कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान होते हैं समझने, जिनके बेसिस पे आप अच्छी खासी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी मास्टर क्लासेस दिल्ली की सबसे पहले अनाउंस होने वाली है, उसके बाद हम मुंबई, कोलकाता और पूरे इंडिया की जितनी क्लासेस है पूरा स्केड्यूल आपको देने वाला हूं बहुत ही जल्दी। स्केड्यूल को जानने के लिए टच में रहिए, सोशल मीडिया में टच में रहने के लिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए प्लीज सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली सबसे पहले मिले। और दोस्तों नॉलेज पे सबका अधिकार, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन किसी के भी अच्छे खासे पैसे बचा सकती है। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक खुश रहिए, टेक केयर, मजे में रहिए, जय हिंद।